Good morning friends, welcome to my another video. We are going to Ottoha's temple. Aap Ottoha's temple ka entrance gate dekh sakte hain. Hum log pahunch chuke hain Ottoha's temple pe. Wo bahut khoobsurat hai aur bahut shant jagah hai. Aap dekh sakte hain bahut sare पेड़ वगैरह है और ये जो बट विक्रह है वो ये तो बहुत ही मस्त है। मेरा कॉलीग और मेरा टीचर अर्जुन सर है। हम लोग टोटल 9 जन ड्राइवर लेके 9 जन आए। तो पहले हम लोग आए कमरपुकुर, फिर जारमबाटी होके हम इधर आए। बट ये इतने अच्छे टेम्पल है, इतना फेमस है, बट 10 से 15 किलोमीटर पहले हम लोग बहुत ही पूछे, किसी को पता नहीं। तो थैंक्स टू GPS हम लोग नेट के वजह से हम GPS मैप देख देख के हम इधर पहुंच चुके हैं और सचमुच बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको इधर से तारापीठ इतना दूर नहीं है, अगर आप तारापीठ आ रही है तो आप अट्टहास जरूर आइए। ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छा है। अब देख सकते हैं मेरे सामने एक शिव का बहुत खूबसूरत स्टैचू। ये अट्टहास टेंपल का मेन मंदिर है। हम लोग जब आए तब बंद था, फिर कुछ ही देर बाद वो दरवाजा। आप देख सकते हैं काली माँ का मूर्ति। हमारे सभी टीचर माँ काली के सामने बैठा है, प्रार्थना कर रही है। मेरे पीछे सूखा तालाब है। मेरे सामने पंचमुंडी आसन मंदिर है। मंदिर की चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, जो मंदिर को बहुत ही खूबसूरत बनाया। पेड़ में बहुत सारे पंछी हैं, उन लोगों का किचिर मिचिर आवाज आपको। आने के बाद एक गांव मुझे मिला है जिसका नाम है बीरचंद्रपुर। तो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है जो जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उसी का ही, जगन्नाथ मंदिर उसी का जैसा ही है। इतना बड़ा नहीं, बस इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा है, बट बहुत ही खूबसूरत है। तो मंदिर का अंदर का जो व्यू है वो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर माना है फोटोग्राफी। तो अगर आप तारापीठ आ रहे हैं तो बीरचंद्रपुर में जो जगन्नाथ का मंदिर है आप वो जरूर देखिएगा। हम लोग जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकले नित्यानंद जी का जन्म स्थान पर। इस्कॉन का नीताई मंदिर है, वो बहुत खूबसूरत है।